बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैप्पी डेथ डे। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपने बर्थडे के दिन हर रोज मरकर दोबारा से जिंदा हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम ट्री है, जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो एक डोमेट्री रूम में होती है जहाँ पर कार्टर नाम का एक स्टूडेंट रहता है। दरअसल पिछले साल ये दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन ट्री को कार्टर का नाम भी याद नहीं होता। दरअसल कल रात को ट्री ने पार्टी की होती है, उसने बहुत दारू पी ली होती है, इसीलिए उसे कुछ भी होश नहीं होता। और पार्टी के बाद कार्टर उसे अपने डोमेट्री रूम में ले आता है। तभी ट्री का फोन रिंग होता है। दरअसल ये उसके डैड का कॉल होता है, लेकिन ट्री अपने डैड के कॉल को रिसीव नहीं करती। वो कार्टर से बोलती है, क्या तुम्हारे पास सरदर्द की गोली है? कार्टर सरदर्द की गोली ढूंढता है और उसे ड्रॉर में सरदर्द की गोली मिल जाती है। ट्री सरदर्द की गोली खाती है और बोलती कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना कि मैं तुम्हारे रूम में थी। और वो वहां से जैसे दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है, तभी कार्टर का रूममेट जो पूरी रात ट्री की वजह से बाहर गाड़ी में सोया था, वो चिल्लाता हुआ है, कार्टर कल रात को तुमने उस हॉट लड़की के साथ क्या क्या किया? ये सुनने के बाद ट्री कार्टर को एक सरकास्टिक स्माइल देकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि इसने ये बात अपने दोस्त को बता दी है। अब जब वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो उसके सामने से एक लड़का आ रहा होता है जिसने सनग्लासेस पहने होते हैं और वो ट्री को देख रहा होता है। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद एक लड़की उसके पास आती है। वो कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? दरअसल वो सर्वे कर रही होती है और ट्री उसे पूरी तरह से इग्नोर करके आगे चली जाती है। कुछ आगे जाने के बाद वहां पर एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं, ये एक पार्क होता है, और तभी वहां पर फाउंटेन चालू हो जाते हैं जिससे वो भीग कर वहां से उठ जाते हैं। वहीं पर कुछ लड़के भी खड़े होते हैं जिनमें से एक लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी ट्री के सामने एक लड़का आता है जिसका नाम टिम होता है। टिम ट्री को बोलता है कि कल रात को मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेज किए लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। ट्री टिम से बोलती है कि देखो, हम सिर्फ एक बार डेट पर गए और ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूं, हमारी डेट वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी। और ये कहकर उसे इग्नोर कर वो वहां से चली जाती है। और जब वो अपने रूम के पास पहुंचती है तो रूम के बाहर एक लड़की बैठी होती है जो हेडफोन पर गाने सुन रही होती है और वो ट्री को हाय करती है, लेकिन ट्री उसे पूरी तरह से इग्नोर कर चली जाती है। इससे ये पता चलता है कि ट्री का बिहेवियर बहुत ही रूड होता है। और जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी रूममेट उसे कहती है कि कल रात को तुमने बहुत ही हंगामा किया था, तुमने जगह जगह डांस किया था, तुमने बार में कई जगह उल्टियां की और तुमने एक लड़की के बॉयफ्रेंड को उस लड़की के सामने किस भी किया। ट्री की इस रूममेट का नाम लॉरा होता है। और जब ट्री अपनी क्लास के लिए जा रही होती है तो लॉरा उसे पीछे से आवाज लगाती है। उसके हाथ में एक कपकेक होता है जिस पर एक जलती हुई कैंडल होती है। ये कपकेक लॉरा ने खुद बनाया होता है क्योंकि आज ट्री का बर्थडे होता है। वो उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। ट्री उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? लॉरा कहती है कि मैंने तुम्हारे लाइसेंस में देखा था। ट्री उस कैंडल को बुझाती है, कपकेक को लेती है और डस्टबिन में फेंक देती है। लॉरा कहती है कि मैंने ये अपने हाथों से बनाया था। ट्री कहती है कि मुझे मोटा नहीं होना, और ये कहकर वो अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, तभी वहां पर कार्टर आता है और कार्टर उसका ब्रेसलेट उसे देता है जो वो उसके रूम में भूल गई थी। वो उसे ब्रेसलेट देकर चला जाता है। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि ट्री का अपने प्रोफेसर के साथ अफेयर होता है। अब ट्री क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट है इसीलिए उसके प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं, और ट्री उनसे मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल में जाती है। और हॉस्पिटल में ये दोनों प्रोफेसर के कैबिन में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तभी बाहर दरवाजा नॉक होता है और बाहर प्रोफेसर की पत्नी होती है। प्रोफेसर दरवाजा खोलता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि कभी कभी ये दरवाजा जैम हो जाता है। प्रोफेसर की पत्नी वहां पर ट्री को देखती है। प्रोफेसर बोलता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, और ट्री वहां से चली जाती है। अब क्योंकि आज ट्री का बर्थडे है इसीलिए उसके दोस्तों ने उसके लिए आज एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। और जब ट्री उस पार्टी में जा रही होती है तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। ट्री फोन काट देती है और वो एक टनल से होके वे आगे जाने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने एक मुखौटा पहना हुआ होता है और वो ट्री का कत्ल कर देता है। और जैसे ट्री को मारता है ट्री की आंखें खुलती है और ट्री आज ही की सुबह उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसकी आंखें खुली थी, यानी कि वो कार्टर के रूम में होती है। ट्री को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, कैसे वो दोबारा उसी रूम में पहुंच गई जहां पर आज सुबह वो थी। ट्री इस बात से हैरान और परेशान होती है और सब कुछ वही हो रहा होता है
जो वो पहले जी चुकी है। यानी उसके डैड का कॉल आता है, वो सरदर्द की गोली मांगती है और जब वो रूम से बाहर जा रही होती है तो वहां पर कार्टर का दोस्त भी आता है और जब वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो उसे वहां पर वो सारे लोग दिखते हैं जो उससे पहले भी दिख चुके होते हैं और सारा घटनाक्रम उसी तरह से हो रहा होता है जैसे पहले हुआ होता है। यानी कि वहां पर वो लेडी भी आती है जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सर्वे कर रही होती है और फाउंटेन के पास जो कपल बैठा होता है जो फाउंटेन के चलने से वहां से उठ जाता है वो भी वहीं पर बैठा होता है और वहां पर वो लड़का दोबारा से बेहोश होता है जो पहले भी बेहोश हुआ होता है। उसके सामने टिम भी आता है जिसने उसे काफी सारे मैसेजेस किए होते हैं और जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो वहां पर वो लड़की बैठी होती है जिसने उसे हाय कहा था। अब वो अपने रूम में पहुंच जाती है और लॉरा उसके लिए दोबारा से वही कपकेक लाती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। लॉरा उससे कहती है कि तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला। ट्री कहती है कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस है। लॉरा कहती है कि हाँ, दरअसल ये बात लॉरा ने पिछली बार उसे बता दी होती है और ट्री को सब कुछ याद होता है। ट्री इन सब बातों से हैरान होती है और जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी होती है जहाँ पर वो मीटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर कार्टर आता है जैसे पहले आया था, लेकिन इस बार ट्री खुद उससे पूछती है मेरा ब्रेसलेट और कार्टर उसका ब्रेसलेट उसे देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ट्री हॉस्पिटल में अपने लेक्चरर से मिलने जाती है जैसे वो पहले गई थी। ट्री परेशान होती है, उसका लेक्चरर उसे देखकर बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि एक ऐसे आदमी से प्यार करना कैसा होता है जो पहले से शादीशुदा है। ट्री कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और वो कहती कि बाहर तुम्हारी बीवी आने वाली है और तभी दरवाजा नॉक होता है और उसकी बीवी बाहर खड़ी होती है। ट्री वहां से चली जाती है और रात को जब वो सबवे के रास्ते पार्टी में जा रही होती है तो उसे याद होता है कि यहाँ पर उस मुखौटे वाले आदमी ने उसका मर्डर किया था, इसीलिए वो रास्ता बदल के पार्टी में पहुंच जाती है। लेकिन पार्टी में भी वो मुखौटे वाला आदमी आता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और ट्री समझ जाती है कि ये उसका कोई दोस्त है। वो उसका मुखौटा हटाती है और वो उसका दोस्त होता है। वो उसके साथ एक रूम में जाती है लेकिन तभी वहां पर वो मुखौटे वाला आदमी आ जाता है जिसने ट्री को मारा था और सबसे पहले वो उसके उस दोस्त को मार देता है जो उसके साथ रूम में होता है और इसके बाद वो ट्री का भी मर्डर कर देता है। यहाँ पर म्यूजिक बहुत लाउड होता है इसीलिए किसी को ये पता नहीं चलता और जैसे ही ट्री का मर्डर होता है तो वो दोबारा उसी रूम में उठती है जहाँ वो सुबह उठी थी, यानी कार्टर के रूम में। और अब वो बुरी तरह से डर जाती है, उसे यकीन है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है और इस बार वो अपने रूम में जाने के बाद लॉरा को सारी बातें बताती है। लॉरा उसे कहते कि आज तुम कॉलेज मत जाओ और वो ऐसे ही करती है, वो घर पर रहती है, दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर देती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बालकनी में कोई है और जब वो उस तरफ जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता और तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। दरअसल ये आवाज टीवी से आई होती है और जब वो टीवी की तरफ देखती है तो उसके पीछे एक बार फिर से वही नकाबपोश आ जाता है और वो एक बार फिर ट्री को मार देता है और ट्री की आंखें दोबारा वहीं पर खुलती है जहां पर उसकी सुबह खुली थी, यानी कार्टर के घर में। इस बार वो कार्टर को सारी बातें सच सच बता देती है। शुरू में कार्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन कार्टर ट्री को एक सलाह देता है। वो कहता है कि उन सब लोगों के नामों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें मार सकते हैं और ट्री ऐसे ही करती है और एक एक करके ट्री उन सबका पीछा करती है जिस पर उन्हें शक होता है। इनमें उस लड़के का नाम भी होता है जिसका नाम टिम है, जो रोज सुबह उसे मिलता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेज किए थे लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। और जब ट्री उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है नहीं, दरअसल उसे लड़कों में इंटरेस्ट है और तभी उसके पीछे नकाबपोश आ जाता है और एक बार फिर से वो ट्री को मार देता है। ट्री की अब कई बार मौत हो चुकी है और उसे जितने भी लोगों पे शक था उसने सबका पीछा किया था लेकिन अभी भी उसे पता नहीं चलता कि उसे हर रोज कौन मारता, उसे कौन मारना चाहता है। बार बार मरने से ट्री कमजोर हो जाती है और वो कार्टर के घर पर बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहां पर ट्री का लेक्चरर डॉक्टर है और ये वही हॉस्पिटल होता है जहां पर उसकी रूममेट जिसका नाम लॉरा है वो भी जॉब करती है। अब यहाँ पर ट्री का लेक्चरर उसके पास आता है जिसके साथ ट्री का अफेयर है जो शादीशुदा है और वो ट्री का एक्सरे देखने के बाद उसे बताता है कि तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती है क्योंकि ट्री कई बार मर चुकी है और उसके उन ट्रूमास के उन घाव के निशान उस एक्सरा में आते हैं। ट्री कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो नहीं तो मुझे मार देगा, लेकिन उसका लेक्चरर उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ। ट्री कहती है कि मुझे एक सोडा मिलेगा और जब वो बाहर उसके लिए सोडा लेने के लिए जाता है तो ट्री छुपके वहां से निकल जाती है और वो उसके कैबिन में जाती है ताकि गाड़ी की चाबियां वहां से लेकर वहां से भाग सके। और जब वो गाड़ी की चाबियां वहां पर ढूंढ रही होती है तो उसे वहां पर वही नकाब दिखता है जिस नकाब को पहनकर वो आदमी हर रोज उसे मारता है।
और उसे शक होता है कि हो ना हो वो कातिल इसी हॉस्पिटल में। हालांकि वो यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि ऐसे नकाब कई लोगों के पास होते हैं। अब जब वो वहां से बाहर निकल रही होती है तभी उसका लेक्चरर उसके सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती उस लेक्चरर के पीछे वही नकाब पोश खड़ा होता है और वो उसके लेक्चरर को मार देता है। ट्री वहां से भाग जाती है और सीधा नीचे पार्किंग में जाती है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। वो नकाबपोश उसका पीछा करता है और एक बार फिर से वो उसकी गाड़ी में ब्लास्ट करके उसे मार देता है। और हर बार की तरह एक बार फिर वही होता है, उसकी आंखें कार्टर के रूम में खुलती है लेकिन इस बार वो बहुत शांत होती है। वो उठकर सबसे पहले सरदर्द की गोलियां निकाल कर खाती है। कार्टर कहता है कि वाह तुम्हें पता था, और तभी वो दरवाजा खोलती है। वहां पर कार्टर का दोस्त आता है जो हर रोज आता है और फिर से वो यही कह रहा होता है कि कार्टर तुमने उस हॉट लड़की के साथ क्या क्या किया। ट्री उसे बोलती है कि अगर तुम लड़कियों को इसी नजर से देखते रहे तो कभी कोई लड़की को नहीं पटा पाओगे, और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। कार्टर ट्री से पूछता है क्या तुम हर सुबह ऐसी रहती हो। ट्री कहती है कि नहीं, ये एक लंबी कहानी है। कार्टर कहता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे बताओ। और ट्री जब वहां से जाने लगती है तो कार्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है। ट्री कहती है कि मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और ये दोनों के दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। ट्री उसे बताती है कि मैं एक ही दिन बार बार जी रही हूं। कार्टर कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। तभी ट्री बोलती है हॉर्न, और वहां पर हॉर्न बजता है। इसके बाद वो बोलती है कि फाउंटेन्स, और वहां पर फाउंटेन्स चल जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि वहां पर एक लड़का अभी बेहोश हो जाएगा, और वहां पर एक लड़का बेहोश हो जाता है क्योंकि हर दिन ये इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं और उसे एक ही घटना के बारे में अच्छे से पता होता है। और अब कार्टर को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर ये दोनों काफी बातें करते हैं। ट्री उसे बताती है कि मेरी मॉम का और मेरा बर्थडे एक ही दिन था। जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल नहीं जाती थी, हम छुट्टी कर लेते थे और बहुत इंजॉय करते थे। अब मैं एक ही दिन बार बार जी रही हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं क्या बन चुकी हूँ। अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो देखती कि मैं क्या बन चुकी हूँ, और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता। वो कहती है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। ये सच भी होता है, उसकी पूरी जिंदगी मेस्ड अप हो चुकी होती है। उसका एक शादीशुदा इंसान से अफेयर होता है, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन अब ट्री को इस बात का एहसास होता है। कार्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन तुम कभी भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहां पर टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, और ये न्यूज उसी हॉस्पिटल की होती है जहां पर पिछली बार ट्री को उस हत्यारे ने मारा था। इस न्यूज में एक हत्यारे को दिखाते हैं जिसका उसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, और इस हत्यारे ने पहले भी 6 लड़कियों का मर्डर किया होता है। और ट्री समझ जाती है कि ये वही हत्यारा है जो उसे हर रात को मार देता है। ये सुनने के बाद ट्री वहां से सीधा हॉस्पिटल जाती है, और रिसेप्शन पे जो लेडी होती है वो उसे कहती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ क्योंकि यहाँ पर जॉन नाम का जो मर्डरर है वो यहाँ से भागने वाला है। और वो सीधा उस मर्डरर के रूम की तरफ जाती है और वो वहां पर एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। लेकिन जब वो उसके रूम में पहुंचती है तो वहां पर वो नहीं होता। वो नकाब पहनकर उसे मारने के लिए आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता वहां पर कार्टर आ जाता है। कार्टर उस हत्यारे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो हत्यारा कार्टर को मार देता है। लेकिन ट्री वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो हत्यारा ट्री का पीछा करता है। और एक पल ऐसा आता है जब वो हत्यारे को मारने वाली होती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि कार्टर को इसने मार दिया है, और इसीलिए ट्री खुद अपनी जान दे देती है। और एक बार फिर वही होता है, उसकी आंखें वही खुलती है जहां पर हर रोज खुलती है, यानी कार्टर के रूम में। और वो उठते ही कार्टर को अपने गले से लगा लेती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की। कार्टर कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। कार्टर सोचता है कि ये कल रात के बारे में बात कर रही है जब ये ड्रंक थी। कार्टर से ट्री इसलिए भी इंप्रेस होती है क्योंकि रात को वो ड्रंक थी, लेकिन फिर भी कार्टर उसके साथ कुछ भी नहीं करता। अब ट्री वहां से निकल जाती है लेकिन अब वो खुश है क्योंकि उसे पता है कि उसे मारने वाला हत्यारा कौन है, और साथ ही साथ उसे अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों का, अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। इसीलिए उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। और जब वो यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसे जो जो लोग मिलते हैं जिनसे उसने पहले अच्छे से बिहेव नहीं किया होता उन सब से वो अच्छे से बिहेव करती है। और जब उसे टिम मिलता है जो उसे हर रोज ये कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए थे लेकिन तुमने उनका जवाब नहीं दिया। ट्री उसे कहती है देखो टिम, नाटक करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है इसीलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। और ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके रूम के बाहर जो लड़की बैठी होती है वो उसे हाय कहती है, और इस बार वो उसके हाय का बहुत अच्छे से जवाब देती है। और जब वो अपने रूम में पहुंचती है
जहां पर लॉरा होती है। लॉरा से वो कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी, लेकिन आज वो लॉरा को बोलती कि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्या हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। लॉरा कहती कि तुम नींद में हो, वो कहती नहीं मैं अब उठी हूँ। और ये कहने के बाद वो सीधा अपने कॉलेज जाती है और अपने लेक्चरर से मिलती है जिसके साथ उसकी संबंध होते हैं, और वो कहती है कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तुम्हारी अपनी पत्नी अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी है, जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते लेकिन एक बेहतर इंसान बनने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। और वो उससे हर तरह का रिश्ता खत्म करके वहां से निकल जाती है। वो अपने डैड से भी मिलने जाती है। दरअसल आज से पहले जितनी भी बार उसने इस दिन को जिया था, हर रोज इस वक्त में उसके डैड उसका इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन वो कभी भी उनसे मिलने नहीं गई थी। लेकिन अब जब उसका दिल दिमाग सब कुछ बदल चुका है, तो वो अपने डैड से मिलने जाती है, उनसे अच्छे से बात करती है, क्योंकि वो बदल चुकी है, एक बेहतर इंसान बन चुकी है। और उसका बदला हुआ रूप देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ट्री अपने डैड से मिलने के बाद सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहां पर वो हत्यारा है जो हर रात को ट्री को मार देता है। वो वहां पर गार्ड से उसकी गन छीनती है और उस हत्यारे की बेड की तरफ जाती है और वो उस पर गन तानकर उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियां नहीं चलती। उस हत्यारे की आंखें खुल जाती है, वो कहता है कि सेफ्टी लॉक लगा हुआ है, और इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। और जैसे वो उसे मारने वाला होता है, तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है। दरअसल हर रोज रात को इस वक्त लाइट जाती थी और ये बात ट्री को पता होती है, और वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और जब वहां पर लाइट आती है तो गेम पूरी तरह से बदल जाता है। एक बार फिर से ट्री के हाथ में गन होती है, वो कहती है कि सेफ्टी लॉक के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, और वो उस हत्यारे पे कई गोलियां चलाती है जिससे वो मर जाता है। और इसके बाद सीधा वो जाती है कार्टर के घर में, जहां पर ये दोनों ट्री का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कपकेक के ऊपर एक छोटी सी कैंडल होती है, वो उसे बुझाती है, और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह ट्री की आंखें खुलती है तो सब कुछ पहले जैसा होता है। दरअसल दिन एक बार फिर से शुरू हो चुका होता है। ट्री को कुछ बात समझ नहीं आती क्योंकि उसने कल रात को हत्यारे को मार दिया था और उसकी जान बच गई थी, लेकिन एक बार फिर से दिन शुरू हो गया है। इस बात से ट्री पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आज मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे होना चाहिए था, क्योंकि मंडे को उसका बर्थडे था। ट्री को कुछ भी समझ नहीं आता और भागते हुए अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो यहां से बहुत दूर जाना चाहती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसकी जो रूममेट होती है वो उसके लिए वो कपकेक लाती है जो वो उसे हर रोज देती है, जिसमें कैंडल जल रहा होता है। और उसे देखने के बाद ट्री को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि एक रात पहले जिस कपकेक को खाकर वो सोई थी वो यही कपकेक था जिसकी वजह से उसकी नींद में मौत हो जाती है, और इससे पहले उसने कभी भी कपकेक को नहीं खाया था। वो लॉरा को बोलते कि तुम मुझे मारना चाहती थी, इसलिए तुमने इस कपकेक में जहर मिला दिया, और क्योंकि मैंने तुम्हारा कपकेक कभी खाया ही नहीं इसीलिए मेरी इससे मौत नहीं हुई, और हर बार तुमने खुद नकाब पहनकर मुझे मार दिया, और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो तुमने जॉन को ड्रग्स दिया ताकि वो वहां से भाग जाए, और जब तुम मुझे मार दो तो कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर आ जाए। दरअसल यहाँ पर पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। हर बार लॉरा उसे कपकेक में जहर देती है, लेकिन ट्री उस कपकेक को कभी भी नहीं खाती, इसीलिए हर रात को वो उसे नकाब पहनकर मार देती है। लेकिन जब ट्री हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो वहां पर जो सीरियल किलर जॉन होता है वो उसे ड्रग्स देती है ताकि वो वहां से भाग जाए, और जब लॉरा खुद उसे मार दे तो उसके कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर आ जाए। अब क्योंकि ट्री को ये यकीन था कि जॉन हर रात को उसे मारता है, इसीलिए जब वो जॉन को मारने जाती है तो जॉन भी उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन असली कातिल लॉरा होती है। लॉरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती, उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करती। ट्री कहती कि ठीक है, अगर तुम सच्ची हो तो इस कपकेक को खाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और ये सुनने के बाद लॉरा एक्सेप्ट कर लेती है, वो दरवाजा बंद कर लेती है और उस पर हमला कर देती है। ट्री उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। लॉरा उसे बताती कि जो तुम्हारा लेक्चरर था, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर था, मेरा भी उसके साथ अफेयर था, लेकिन उसने तुम में और मुझ में से तुम्हें चुना, और एक यही कारण होता है जिसकी वजह से लॉरा उसे मारना चाहती थी। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इन दोनों की लड़ाई में ट्री लॉरा को खिड़की से नीचे फेंक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और इस तरह से लॉरा जो ट्री को मारना चाहती थी उसकी खुद ही मृत्यु हो जाती है।
आज ट्री का बर्थडे है और अब ट्री कार्टर को पसंद करती है और रात को वो उसके रूम में बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और जब सुबह ट्री उठती है तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसे एक बार फिर से दिन शुरू हो चुका है। इस बात से ट्री परेशान हो जाती है, लेकिन ये एक प्रैंक होता है जो उसके साथ कार्टर ने किया था। कार्टर कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, आज मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे है, आज 19th है, यानी कि दिन गुजर चुका है और सब कुछ ठीक हो चुका है। और ये दोनों एक दूसरे से अब प्यार करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।